दोस्तों रनिंग एक्सरसाइज सबसे अच्छी मानी गई है। जिस प्रकार फलों का राजा आम माना गया है, योगासनों का राजा शीर्षासन माना गया है, उसी प्रकार एक्सरसाइज हो या जिम, सभी का राजा रनिंग एक्सरसाइज माना गया है। अगर आपने रनिंग कर ली तो दूसरी एक्सरसाइज करने की जरूरत कम हो जाती है, और अगर आप रनिंग कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सभी का शरीर उन सभी एक्सरसाइज को करने में सक्षम है जो एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन यह रनिंग एक्सरसाइज करें कब, बताता हूँ रनिंग के सभी टाइम्स के बारे में। रनिंग टाइम सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक, या फिर रनिंग टाइम सुबह के 6 बजे से लेके 8 बजे तक, या फिर रनिंग टाइम शाम के 4 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, या फिर रनिंग टाइम शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे तक। रनिंग टाइम 4 बजे से 6 बजे तक का सुबह का, इससे फायदे क्या क्या है। नंबर एक फायदा मैं आपको बताता हूँ, सुबह के समय ऑक्सीजन लेवल प्रचुर मात्रा में होता है और पॉल्यूशन लेवल 0 का होता है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू हमारे शरीर की नसों में खून तक पहुंचता है। खून में उपस्थित आरबीसी मींस रेड ब्लड कॉर्पल्स, जो कि एक कैरियर का काम करते हैं, हमारे शरीर के हर अंग तक उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पहुंचाते हैं, और यह एक अलग स्फूर्ति और ताजगी महसूस कराते हैं। नंबर दो, सुबह सुबह हमारा पेट खाली होता है, अतः प्रैक्टिस भी अच्छी होती है, और सुबह सुबह हमारी एनर्जी लेवल भी अत्यधिक होता है, अतः हम अपनी कैलोरी भी अधिक बर्न कर पाते हैं, जो कि अत्यधिक बेनिफिशियल है। लेकिन फिर भी मैं इस समय को रिकमेंड नहीं करता। अरे भाई क्यों नहीं करते, तो सुन लो इससे क्यों नहीं रिकमेंड करते, इसके डिसएडवांटेज क्या है। नंबर एक, सुबह का समय पढ़ने के लिए उत्तम होता है। इस समय पर आप कुछ भी पढ़ते हो वह ब्रेन में जरूर रिकॉर्ड हो जाता है, अतः इस समय का उपयोग हमें पढ़ाई में जरूर करना चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी जगोगे तो पूरे दिन थकान महसूस होगी, जो कि बिल्कुल भी काम करने और पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो रनिंग टाइम अब मैं आपको शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक, या 6 बजे से लेके 8 बजे तक का बताता हूँ। इससे फायदे क्या है, शाम के समय हमारा माइंड एकदम फ्री होता है, हमारे पास रनिंग के लिए काफी समय होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके दोस्त भी उस समय फ्री होते हैं, जो कि एक ग्रुप बनाकर दौड़ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपका पेट उस वक्त खाली रहना चाहिए। अगर पेट भरा हुआ होगा तो रनिंग के समय पेट में दर्द होने की संभावना काफी रहेगी। पेट में अगर हल्का सा भी गैस है तो आपको छाती में दर्द भी हो सकता है, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि रनिंग के आधा घंटे पहले आपको पानी खूब पीना चाहिए। आप इसे 1 घंटे पहले भी ले सकते हैं, जिससे शरीर से निकलने वाले पसीने के कारण डिहाइड्रेशन न हो। डिहाइड्रेशन मींस पानी की कमी हो जाना। इस समय को हम केवल 40% रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हम भर्ती में कभी कभी दोपहर को भी दौड़ना पड़ सकता है। इससे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, नंबर एक, पेट भरा हुआ होता है। नंबर दो, दिन भर की थकान हमारे शरीर को सुस्त कर सकती है। नंबर तीन, डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब मैं आपको रनिंग टाइम 6 बजे से लेके 7 बजे तक का सुबह का बताता हूँ, या फिर उसको हम 8 बजे तक भी कर सकते हैं। दोस्तों इस समय को संसार में रनिंग के लिए सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और अन्य सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज का रनिंग टाइम और एक्सरसाइज टाइम 6 बजे से लेके 7 बजे तक होता है। कभी कभी ये 7 बजे से लेके 8 बजे तक का भी होता है। इससे फायदे क्या क्या है, नंबर एक, फैट कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल हमारा 100% मिलता है। नंबर तीन, सूरज की रोशनी हमें अच्छी मिलती है। इस समय की रोशनी में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होती है, जो कि हमारी हड्डियों को कड़क तथा मजबूत बनाती है। ताजगी तथा स्फूर्ति अत्यधिक हमको मिलती है। अगर इस वीडियो पर लाइक तथा व्यूज अधिक आएंगे तो अगला वीडियो हम फास्ट रनिंग टिप्स और डाइट्स के बारे में जरूर आपको बताएंगे। यह वीडियो मेरा 2 या 3 दिन के बाद आ सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा दें और अगले वीडियो का आप इंतजार करें। कृपया आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको इनमें से कौन सा टाइमिंग अच्छा लगता है, तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।